नमस्कार मित्रों, सोमवार का दिन भगवान शंकर जी को समर्पित होता है और हमारे चैनल में आप लोगों को वही हम जानकारी बताते हैं, वही सरल आसान तरीका बताते हैं जिन उपाय को अपना करके आप अपने भाग्योदय कर सकते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे आसान तांत्रिक जानकारी सिखाते हैं, वनस्पति जानकारी सिखाते हैं, वास्तु संबंधी जानकारी सिखाते हैं ताकि आप अपने जीवन को सुखमय एवं निरोगमय बना सके। आज की वीडियो में जानेंगे 24 घंटे में आपके पास पैसा ही पैसा होगा और किस प्रकार से 24 घंटे के भीतर में आपके पास पैसा ही पैसा होगा, यह जानने के लिए हमारे वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक के पूरा जरूर देखना। और एक बात सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, चाहे हम शंकर जी में फूल पान या फिर बेलपत्ती चढ़ाते हैं, चाहे किसी भी देवी देवता के ऊपर में बेलपान या फूल पत्ती चढ़ाते हैं, हम सब प्राय क्या करते हैं, इसे जल में विसर्जित कर देते हैं। यही हमारे सबसे बड़ी मूर्खता है, कभी भी इसे विसर्जित नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे जो है तिजोरी में रखना चाहिए, पर्स में रखना चाहिए या घर के अन्न धन भंडार पे रखना चाहिए। और जो मौली धागा या फिर सफ़ेद धागा भगवान को बनते हैं, इसे बल्कि भगवान को चढ़ाने के बाद कुछ घंटे के लिए चढ़ाने के बाद इसे हमें अपने हाथों में बांध लेना चाहिए। इसे उस देवी देवताओं की हमें कृपा प्राप्त होती है, हमारे हाथ में बंधने से हमारे संपूर्ण शरीर का बंधन होता है, हमारे शरीर को ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो हमारे वीडियो का टाइटल थंबनेल देख ही चुके हैं कि कौन सा जानकारी बताने वाला हूँ। तो मित्रों, ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना है, किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन शुक्ल पक्ष होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो अपने करना क्या, ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय बताने से पहले अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको देखना है बरगद के वृक्ष, जितना ज़्यादा पुराना बरगद के वृक्ष होगा ये उपाय उतना ही ज़्यादा असरकारी होगा। तो बरगद के वृक्ष के नीचे शाम के समय में आपको घी का दीपक जलाना है और 1 रुपए का सिक्का आपको अपने हाथ में लेकर के जाना है। जब पैसे की एकदम जरूरत पड़ जाए, किसी भी तरह से रास्ता ना दिखे, आपको पैसा चाहिए चाहिए, तो 1 रुपए का सिक्का लेकर के बरगद वृक्ष के नीचे घी का दीपक जला देना और बस एक ही प्रार्थना करना, एक ही शब्द बोलना कि हे बरगद वृक्ष एवं इनमें रहने वाले शक्तियाँ, आपको आपकी माँ की सौगंध है, सत्य की सौगंध है, इस 1 रुपए का 1 लाख करके दिखाए तब जानू, तब मैं जानू कि आप सत्य हैं, आप बरगद वृक्ष में रहने वाले शक्तियां सत्य हैं, अन्यथा जितने भी संसार में जो दैवी शक्ति हैं ये सब असत्य हो। और बस यहाँ पे आपको राम जी का, हनुमान जी महाराज का, दुर्गा मैया का सौगंध दिला देना है। बरगद वृक्ष में रहने वाले शक्तियाँ ना चाहते हुए भी आपके मदद करेंगे। जब आपको पैसे की एकदम जरूरत पड़ जाए तो ये उपाय जरूर करना, 1 रुपए चढ़ाते उस शक्तियों को जो बरगद वृक्ष में रहने वाले शक्तियों से चिड़ आ जाएंगी, गुस्से आ जाएंगी और कहीं ना कहीं माध्यम से आपके 1 रुपए को 1 लाख रुपए करके 24 घंटे के अंदर में दिखाएंगे। आपको टाइम देंगे, जैसे आप 7 दिन के भीतर में बोलो, 7 दिन के भीतर में देंगे, तत्काल आपको नहीं बोलना है। तो बिल्कुल इस उपाय से आप अपनी गरीबी मिटा सकते हैं, निर्धनता मिटा सकते हैं, लेकिन ये उपाय अपने जीवन काल में एक बार कर सकते हैं और तभी आप प्रयोग करना है जब आपको इमरजेंसी पड़ जाए, पैसे की जरूरत पड़ जाए, किसी भी मार्ग से कोई रास्ता ना सूझे, कोई मदद ना करे, तो अपने जीवन काल में एक बार इस टोटके का प्रयोग कर सकते हैं, 100% लाभ मिलते हैं। इसके बारे में हमने अभी तक किसी को नहीं बताया था, लेकिन आप सभी की जिज्ञासा हेतु यह जानकारी अपने चैनल के माध्यम से साझा किया हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।